वेलकम बैक टू इन्फोमिनट। आज हम बात करने जा रहे हैं वो ऐसी बकरियों के बारे में जिनके अंदर स्पाइडरमैन वाली एबिलिटी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग के कुछ रिसर्चर्स ने कुछ ऐसा चीज़ निकाली जिससे वो स्पाइडर के स्पिनिंग जीन्स को, स्पाइडर स्पिनिंग जीन्स वो होता है जिससे जाला बुना जाता है, स्पाइडर स्पिनिंग जीन्स को गोट के अंदर, बकरी के अंदर कुछ इस तरह से डालते हैं जिससे उनके मिल्क से, बकरी की मिल्क से वो सिल्क हासिल करते हैं जिनके अंदर प्रोटीन होता है। और वो सिल्क इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसे मेडिकल यूज़ में लिया जाता है, जैसे आर्टिफिशियल लिगमेंट बनाने के और टेंडन्स बनाने के। साथ ही साथ वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसका सिल्क कि उसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स में इस्तेमाल किया जाता है और एयरबैग इम्प्रूवमेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज़ की शुरुआत वहाँ से हुई कि शुरू में इस सिल्क को जो है वो स्पाइडर से ही हासिल किया जा रहा था, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ज़्यादा स्पाइडर से इस सिल्क को प्रोड्यूस करें। लेकिन जब उन्होंने ज़्यादा स्पाइडर को सेटअप किया एक जगह पर, तो हुआ यह कि स्पाइडर्स ने एक दूसरे को मार डाला। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिस्टर रैंडी ल्यूइस ने सोचा कि क्यों ना हम स्पाइडर स्पिनिंग जीन को गोट के अंदर कुछ इस तरह से डालें कि गोट जब मिल्क प्रोड्यूस करे तो हमें मिले सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन। लेकिन कुछ जेनेटिक फैक्टर की वजह से कुछ ही बकरियां ऐसा हो पाई जो वो मिल्क दे पा रही थी जो वो चाहते थे। फरवरी 2010 में जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, तो 7 में से सिर्फ और सिर्फ 3 बकरी ऐसी थी जो पॉजिटिव हो पाई, और पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ मतलब वही बकरी थी जो वो दूध दे रही थी जो एक्सपेरिमेंट में वो लोग चाहते थे। लेकिन जब उन बकरियों ने अपने बच्चे पैदा किए और जब उन्होंने दूध देना शुरू किया और जो उनसे मिल्क प्रोटीन हासिल किया, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह से ये किस्सा ऐसे ही चलता गया। और जैसे कि हमारी फेवरेट फिल्म स्पाइडरमैन में कहा गया है कि ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हो सकता है इन गोट्स के अंदर और बाकी नॉर्मल गोट्स के अंदर भी कोई डिफरेंस होगा, कुछ कमी होगी इन गोट्स के अंदर क्योंकि इनके अंदर इतनी बड़ी एबिलिटी है। तो उन्होंने उन गोट्स को जो कि एक्सपेरिमेंटल गोट्स थी, उनको बिहेवियर वाइज और हेल्थ वाइज और अपीयरेंस वाइज चेक किया और कंपेयर किया नॉर्मल गोट से, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं दिखा। उनके अंदर एबिलिटी तो थी, साथ ही साथ वो बिल्कुल ही नॉर्मल थी। साइंटिस्ट इस सिल्क को फ्यूचर में सोच रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि इस सिल्क जीन को अल्फाल्फा प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए जिससे न सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा बल्कि अल्फाल्फा ट्री कुछ ऐसा ही प्रोटीन देगा जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी जो मात्रा है वो 20-25% तक हो सकती है। अब आप सोचते होंगे कि मैंने स्पाइडरमैन का फ़ोटो क्यों लगाया और मैं इसको स्पाइडरमैन से इतना कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। तो और आप ये भी सोचते होंगे कि ये सिर्फ सिर्फ सिल्क दे रही है जो कि कपड़ों में वगैरह यूज़ होता है, तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। हाँ, ये सिल्क दे रही है, ये बात सच है, लेकिन इसका जो सिल्क है वो इतना ज़्यादा मजबूत है जो कि स्टील से 10 गुना ज़्यादा, 8 से 10 गुना ज़्यादा मजबूत है। अगर सिल्क स्टील जो है वो 1 किलो वज़न उठा सकता है, तो ये सिल्क 10 किलो वज़न उठा सकता है बिना टूटे। और मज़े की बात ये कि ये सिल्क जो है वो अपने साइज से 20 गुना ज़्यादा खींच सकता है विदाउट लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर्टीज़। और साथ ही साथ ये सिल्क जो है वो -20 डिग्री से लेके 330 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। -20 डिग्री से लेके ये जब पत्थर बन जाएगा, एकदम क्या कहते हैं, बर्फ़ बन जाएगा, उसके बाद भी इसकी प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और जब ये 330 डिग्री के लावा में भी जाएगा, शायद लावा ही होता है 330 डिग्री का, तो उसके अंदर भी इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी एबिलिटी है, इसलिए इस सिल्क को जो है वो स्पाइडरमैन के जो वेब होता है उससे हम कंपेयर करते हैं। इसकी काफ़ी सारी जानकारी जो है वो इंटरनेट पर भी है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी जानकारी दे दूँगा, और बाकी सारी वीडियोज़ भी आई हैं जिसको काफ़ी कुछ कहा जाता है, मैं बोल दिया फ़िलहाल। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए ये रिसर्च करने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे फैक्ट्स और ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ चाहिए होगा, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।